टुडे वी विल रीड द स्टोरी ग्रास ओपर एंड आन क्लास सेकेंड यूनिट 10। लेट्स रीड विद मी, मेरे साथ रीड कीजिए। वंस देयर लिव्ड ए लेजी ग्रास ओपर। वंस देयर लिव्ड, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए लेजी ग्रास ओपर, एक लेजी ग्रास ओपर था, एक आलसी ग्रास ओपर था। लिव्ड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहता था। उसके नाइबर्स कौन थे? आंट्स थे। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, उसे कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ग्रास ऊपर को कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऑल डे लॉन्ग ही से सॉन्ग एंड प्लेड इन द वार्मसम, पूरे दिन वह गाना गाता रहता था, मस्ती करता रहता था। एंड प्लेड, खेलता रहता था। इन द वार्म सनशाइन, तेज धूप में खेलता रहता था। जब चींटियां काम कर रही होती थी तब वो पूरे दिन मस्ती करता था, खेलता ही रहता था। आपकी क्लास में भी आपने देखा होगा एक लेजी बॉय होता है जो पूरे टाइम, ऑल टाइम जब मैम पढ़ा रही होती है तब भी वो मस्ती के मूड में होता है, और जब होमवर्क करने के लिए घर के लिए दिया जाता है तब भी वो मस्ती के मूड में होता है। ना तो वो होमवर्क करता है, ना ही क्लास वर्क करता है, उसका किसी में मन नहीं लगता है, वो ऑल टाइम मस्ती करता है। ही लुक एट मी, और हंसता है। टिड्डा क्या करने लगा? ही हंस रहा है। लुक एट मी, मुझे देखो, आई एम हैप्पी एज कैन बी, वो चींटियों से कहने लगा कि मुझे देखो चींटियां, आंट्स मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ, जितना हो सकता हूँ उससे भी ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। द ग्रास ऊपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट। ग्रास ऊपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स। ग्रास ऊपर किसके ऊपर हंसा? हार्ड वर्किंग आंट, जो कठिन परिश्रम करती थी चींटियां, उनके ऊपर हंसा। क्योंकि दे वर्क डे एंड नाइट, क्योंकि वो पूरे दिन और रात मेहनत करती थी, दिन और रात मेहनत करती थी, हार्ड वर्किंग करती थी, तो वो उनके ऊपर हंस रहा है कि मुझे देखो, मैं तो ऑल टाइम्स खेलता ही रहता हूँ, प्ले करता रहता हूँ मैं। लुक एट मी, मुझे देखो, जैसे लेजी बॉय होता है वो केवल आपके ऊपर हंसता ही रहता है। जो ब्रिलियंट बॉय होते हैं, एक्सीलेंट क्लास में एक्सीलेंट बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बॉय होते हैं, तो उनके ऊपर लेजी बॉय हंसता रहता है। वो कहता है कि तुम तो पूरे टाइम पढ़ते ही रहते हो, लंच में भी रीडिंग करते हो, घर पर जाके भी रीडिंग करते हो, क्लास में भी पढ़ते हो, और मैं पूरे टाइम मस्ती करता हूँ, ना तो होमवर्क करता हूँ, ना क्लास वर्क करता हूँ। फिर क्या होता है उसके एंड में, क्या होता है जब मैम एग्जाम लेती हैं तो वो जीरो ऑफ जीरो मार्क्स आते हैं, फिर वो क्राई, रोने लगता है। और जो ब्रिलियंट बॉय होते हैं वो फुल ऑफ मार्क्स आते हैं उनके एग्जाम्स में। फिर वो उनसे कहता है कि यू आर ए ब्रिलियंट बॉय, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तब उसे समझ में आता है कि वो कितना लेजी पर्सन था। तब उसे रियलाइज होता है अपनी मिस्टेक का, और वो उनसे कहता है कि मेरी हेल्प करो, अब मुझे आगे गलती नहीं करनी है, मुझे एग्ज़ाम के लिए रीडिंग करा दो। तो वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं यहाँ से जाओ, यू आर ए लेजी बॉय, तुम तो लेजी बॉय, हमें भी नहीं पढ़ने देगा, हटो यहाँ से। तो वो डांट देते हैं, उससे कहते हैं जाओ यहाँ से हटो। तो वैसे ही कुछ होता है ग्रास ऊपर के साथ। चलिए रीड करते हैं। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर। वी आर, वो क्या कहती हैं, जो आंट्स होती हैं वो कहती हैं, वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। वो कहती हैं कि हम ग्रेन को, फूड को स्टोर कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग विंटर, आगे आने वाली सर्दियों के दिनों के लिए हम क्या। दे रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया कि हम तो फूड स्टोर कर रहे हैं आगे आने वाली सर्दियों के दिनों के लिए। द लेजी ग्रास ऊपर ओनली लाफ्ड लाउडर, वह उनके ऊपर केवल हंसा, उनके ऊपर हंस ही रहा था, वो और ज़ोर से उनके ऊपर हंसने लगा। समर एंडेड, इस तरह से समर एंडेड हो गई, समर का एंड हो गया। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और सर्दियों का सीजन, विंटर का सीजन आ पहुँचा। समर का एंड हो गया, समर जैसे गर्मियां होती हैं, गर्मियों का सीजन होता है समर सीजन, रेनी डे में बारिश होती है, विंटर में सर्दियां होती हैं, कोल्ड बर्फ़ पड़ती है, तो समर का तो एंड हो गया, समर सीजन का एंड हो गया और कोल्ड सीजन आ गया। द विंड ब्लू स्ट्रांग एंड स्टार्टेड स्नोइंग, और सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा बर्फ़, स्नोई गिरती है, बर्फ़ गिरती है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। आपने या तो ट्रिप पर गएंगे और टूर पर पेरेंट्स या टीचर के साथ, या आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बर्फ़ गिर रही है, द आइस इज़ फॉलिंग, स्नोइंग हो रही है। तो द विंड ब्लो स्ट्रांग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, सर्दियों के दिनों में हवा इतनी तेज़ी से चलने लगी, एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और उसने बर्फ़ गिराना शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड स्नोइंग, सर्दियों के दिनों में बर्फ़ गिरने लगी। द ग्रास ऊपर नाउ बिगेन टू वरी, अब ग्रास ऊपर को चिंता होने लगी। देयर इज नो फूड टू ईट, उसके पास कोई भी फूड नहीं है, नो ग्रास, ना ग्रास है खाने के लिए, नो फ्लावर और लीव्स, उसके पास खाने के लिए ना तो ग्रास बची, ना फूड बचा, ना फ्लावर, ना लीव्स है। आई के सर्दियों के दिनों में, विंटर्स के दिनों में क्या होता है, बर्फ़ की वजह से ग्रास फ्लावर्स श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बर्फ़ से नष्ट हो जाते हैं, लीव्स नष्ट हो जाती हैं, प्लांट्स नष्ट हो जाते हैं।
तो उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। आई कैन नॉट सी इवन द टाइनियस्ट फ्लाई और वाम। और वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी, यहाँ तक कि मुझे एक छोटा सा कीड़ा वाम भी नहीं दिख रहा है, ना तो फ्लाई, एक छोटी सी मक्खी भी नहीं दिख रही है खाने के लिए। मैं क्या करूँ, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँ, आई विल श्योरली स्टार्व। मैं, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मैं डाई हंग्री, भूखा ही मर जाऊँगा। आई विल श्योरली स्टार, मैं भूखा ही मर जाऊँगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया, लेट मी, भूख के मारे चिल्ला रहा है कि मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा। श्योरली स्टार, डाई हंग्री, लेट मी मीट माई काइंड नाइबर द आंट। मुझे मिलना चाहिए अपने दयालु पड़ोसियों से, द आंट, अपने पड़ोसी आंट से मिलना चाहिए। द ग्रास ओपर रिमेम्बर्ड, उसे याद आया हाउ द हार्ड वर्किंग, वो कितना कठिन परिश्रम करती थी। एंड हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर, उन्होंने कहा था कि वे विंटर के दिनों के लिए, सर्दियों के दिनों के लिए फूड स्टोर कर रही हैं, तो वो फूड स्टोर कर चुकी होंगी। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ हेल्प करने कि शायद वो मेरी हेल्प कर दें। ही नोक्ड एट हर डोर, उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया, नोक किया, डियर आंट, प्यारी आंट, ओपन द डोर, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड कोल्ड, और मुझे सर्दी लग रही है, आई फीलिंग कोल्ड, आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आई हैव नथिंग टू ईट, प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, कृपया करके मुझे कुछ फूड दो खाने के लिए। द आंट सुक इन एंगर, और आंट ने गुस्से से देखा, द आंट सुक इन एंगर, गुस्से से देखा, लेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति, उन्होंने कहा लेजी पर्सन, गुस्से से चिल्लाया उसके ऊपर, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तुम क्या कर रहे थे ऑल ड्यूरिंग समर, पूरी गर्मियों के दिनों में तुमने क्या किया, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल डांसिंग करते रहे, सिंगिंग, गाना गाते रहे और नाचते रहे, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, केवल तुमने सिंगिंग एंड डांसिंग ही किया था, यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आया था सर्दियों के दिनों के बारे में, बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था कि मैं अभी मुझे फूड स्टोर कर लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ अहेड, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आया, थॉट, विचार नहीं आया मन में कि अहेड आगे आने वाली सर्दियों के दिनों के लिए हमें फूड ग्रेन स्टोर कर लेना चाहिए। गो अवे, यहाँ से जाओ, जैसे टीचर डांट देती है बच्चे से, कह देती है गो आउट, बाहर निकलो, लेजी बॉय को डांटती है मैम, और आप भी डांट देते हो, वो कहता है कि मेरी हेल्प कर दो एग्जाम में, मुझे रीडिंग करा दो, पढ़ा दो, चैप्टर लर्न करा दो, तो आप कहते हैं जाओ, गो यहाँ से, भाग जाओ, हम नहीं करेंगे आपकी हेल्प, आप लेजी बॉय हो, तो आप डांट देते हैं। वैसे ही किया आंट्स ने भी, वैसे ही किया, सी स्लैम्ड हर डोर शट, और उन्होंने अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। द लेजी ग्रास ओपर वाज लेफ्ट एज हंग्री, वह भूखा ही रह गया एज बिफोर,